नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। ओलंपिक्स का कल शानदार इफ्तिताही तकरीब के बाद जो है आगाज हो गया और उसके बाद आज से मेडल्स की दौड़ भी जो है शुरू हो गई है। चीन हमेशा की तरह, पिछले 10-12 सालों की तरह, इस बार भी जो है वो पहले ही दिन से सबको ले जाने में कामयाब हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत ने भी एक मेडल जीता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी इन एक्शन थे। माहूर शहजाद पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन हैं, उन्हें पहले ही मैच में जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान के शूटर वो गुलफाम जोधफ, वो भी जो है वो पहले ही राउंड में अच्छी कारकर्दगी थी। बहरहाल उनकी हौसला अफजा 9वें नंबर पर रहे, सिर्फ एक रैंक अगर वो बेहतर होते तो 8वें नंबर पर वो मेन राउंड में जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो ओलंपिक की हिस्ट्री है, ज़रूर उसमें हॉकी ने 8 मेडल जीते, 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, इसी तरह ब्रॉन्ज मेडल है 2। हुसैन शाह और मोहम्मद बशीर की बात करें तो 2 इनफरादी मेडल हैं। लेकिन 92 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान एक भी तमगा जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 20 करोड़ से ज़ायद की हमारी आबादी है और पिछले 29 साल से कोई एक मेडल भी पाकिस्तान के पास नहीं है। जबकि दूसरी जाने अगर हम भारत को देखें तो हर साल वहाँ पर बेहतर से बेहतर सूरत हाल होती जा रही है। आज के प्रोग्राम में इसी सूरत हाल में बात करेंगे, ओलंपिक्स के जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। जनाब, आपने देखी हेडलाइंस और उसके साथ साथ कल टोक्यो ओलंपिक्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर के जितने भी एथलीट्स, उन्होंने अज़म का इजहार किया कि वो रूल्स और डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। इसी तरह ओलंपिक के चार्टर है यानी कि अमन का पैगाम, उसको भी वहाँ पर दोहराया गया। और इसी ओपनिंग सेरेमनी की, शानदार जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, फायरवर्क्स हुए, इसकी आपको तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में और फिर आके मजीद बात करते हैं। जनाब, आपने देखी इस ओपनिंग सेरेमनी की झलकियाँ और इस वक्त ताज़ा तरीन मैं मेडल टैली बता दूँ तो चाइना 3 गोल्ड मेडल के साथ और 4 मजमूई मेडल के साथ इस वक्त नंबर 1 पर है। इसके साथ साथ जापान यानी कि होस्ट कंट्री, उनका भी एक गोल्ड मेडल है। कोरिया ने भी एक गोल्ड मेडल जीत दिया, इक्वाडोर ने जीता है, ईरान ने भी एक गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग के अंदर। इसी तरह अगर आप देखें तो भारत की टीम भी एक मेडल सिल्वर जीतने में कामयाब हुई है। तो मेडल की दौड़ जो है जनाब शुरू हो चुकी है और अब यही देखना है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है सिर्फ 6 खेलों के अंदर, 10 एथलीट हैं और रजा कलीम ऐसा मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। रजा, आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी तो हमें उस पर बड़ा खुशी महसूस होती है जब पाकिस्तान का परचम लिए पाकिस्तानी दस्ता आगे बढ़ता है, एक बड़ा कहते हैं ना रोंगटे खड़े करने जज्बात भी होते हैं। बट बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है जब हम पिछले तकरीबन 5 ओलंपिक से ऐसा देख रहे हैं, मेडल कोई नहीं है। और आई थिंक तलहा की कल वेट लिफ्टिंग के अंदर है इंट्री, इसी तरह अगर हम बात करें तो अर्शद अदीम जब जैवलिन थ्रो में करेंगे, रियलिस्टिकली या शाह हुसैन जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के साबिक बॉक्सर हैं जिन्होंने 88 से ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था, उनके बेटे जो है वो शाह हुसैन जो हैं वो अगर जीतने में कामयाब हुए, वरना कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है इस बार भी। आप समझते हैं ऐसे ही है? देखें, जैसे आपने बोला जब पाकिस्तान की एंट्री हुई, वाकई में वो एक मोमेंट था पाकिस्तानियों के लिए, फ़ख्र का मकाम था वो। लेकिन अब कब तक हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते रहेंगे? जैसे आपने बोला, रियलिस्टिकली बहुत मतलब एक करिश्मा ही होगा अगर पाकिस्तान मेडल जीत रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिस पर आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान आखिर इस मकाम तक कैसे पहुँच गया। एक वक्त था पाकिस्तान हर खेल में आगे था, हॉकी ले लें, स्नूकर ले लें, इवन ओलंपिक्स में भी मेडल जीतते थे, लेकिन अब ये मकाम आ गया कि इवन क्वालिफाई करने के लिए अच्छा, 3 रजा हमारे गेम्स हैं, हॉकी जिसके अंदर 3 पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स हैं और 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 8 मेडल एक इस हॉकी में है। एक मोहम्मद बशीर ने 60 ओलंपिक्स में जीता था रोम में, वो भी अब रेसलिंग में, वहाँ भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसी तरह बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तान ने जब वाहिद एक और इंडिविजुअल मेडल जीता है 88 ओलंपिक्स में हुसैन शाह की बदौलत, तो बॉक्सर भी कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। रजा, आई थिंक जीत की बात तो तब आएगी जब खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे इन तीनों खेलों के अंदर, स्पेशली कौमी खेल हॉकी। पिछले ओलंपिक्स में यानी कि जो रियो ओलंपिक्स थे वहाँ पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, पाकिस्तान की हॉकी टीम अब टोक्यो ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। रहा और आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहला मैच भी हरा दिया और ऑलरेडी उनका मेडल जीता है, तो आई थिंक खेलों में इससे ज़्यादा हम कितना पीछा रहेंगे। और एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था, अभी ये जो 10 एथलीट हैं इसमें से भी आप देखें ना कितने क्वालिफाई कर गए, एक सिर्फ अर्शद नदीम, बाकी तो सारे वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए। इक्वेस्ट्रियन में पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था लेकिन बदकिस्मती से उस जो उनका घोड़ा जो था वो उनकी डेथ की वजह से वो नहीं खेल सके, लेकिन
अब ये देखें ना गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है। अब ज़रा कायमा कमेटी वालों से पूछे ना, वो क्रिकेट वालों को तो बुला लेते हैं, उन्होंने कितनी दफ़ा बुलाया, हॉकी वालों को बुला के तो पूछें पिछले 5-6 साल, फेडरेशन को बुला लें, पूछे ना वो हॉकी में क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम हॉकी में आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला था, एक अरसा हुआ हमें इंटरनेशनल हॉकी मैच खेले हुए, बिल्कुल क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपने ठीक मुझे याद दिलाया, जो इकबाल मोहम्मद अली साहब हैं बड़े एक्टिव रहते हैं क्रिकेट के हवाले से, उनको मैं आज नहीं तो अगले प्रोग्राम में मधु करूंगा, उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान की ओलंपिक के अंदर नाकिस तरीन कारकर्दगी पर उनका या उनकी कायमा कमेटी का क्या कभी मौकफ रहा है, क्या वहाँ उन्होंने कोई बात की है। इसी तरह हुकूमती जो वज़रा हैं स्पेशली जो तर्जुमान हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे कि इस हुकूमत का, क्योंकि अब इसके वज़ीर आज़म जो हैं वो स्पोर्ट्स लेजेंड हैं इमरान खान साहब, क्या इनका कोई तवज्जो है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है, हम उनसे जानेंगे ताकि कौम तक भी हकायक पहुँच सके, चूँकि पूरी कौम बड़ी मायूस है कि पाकिस्तान की टीम 29 साल से एक भी मेडल जीत में और ऑफिशियल कोई वास्ता नहीं है, कोई प्लेयर बने ना बने, आगे बढ़े ना बढ़े, हमारे पास यकीन कर। अभी यार भाई इंडिया को 9 प्लेयर उसमें बॉक्सर क्वालिफाई हुए, 9 बॉक्सर जी जी, तो हम एक टीम में हमारे सामने सर पहले ही दिन सिल्वर मेडल भी जीत लिया भारत ने, उनकी खातून ने जो वेट लिफ्टिंग के अंदर पहला मेडल भी जीत लिया, तो इसका मतलब है कि उनकी शुरुआत अच्छी है, तो आगे और मेडल आएंगे, हम सिर्फ शायद ओपनिंग सेरेमनी में झंडा लहरा के खुश हो जाते हैं। उसके अलावा हम यार इंडिया से चलो भाई उससे बहुत आगे नहीं, उससे आधा तो जा सकते हैं, हम उससे आधा भी नहीं जा रहे हैं। पता कि उनके ऑफिशियल जरूर ये है कि सनसेर है अपने स्पोर्ट्स से, मेरी बात होती रहती है जिन कोचों से, उनसे बात होती रहती है जो मेरे से पहले खेलते थे ना, उनसे बात मेरी होती रहती है, तो उनसे मैं ये बोलता हूँ यार तुम लोग क्या वो भी नहीं बता रहे ना हम लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं किस तरह नहीं बढ़ रहे। ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपसे बात करके खुशी होती है, आप हीरो हैं हमारे चूंकि मेडल ही जीत कर आए, लेकिन रजा मुझे तो लगता है कि इस ओलंपिक्स में आप मैं इंटरनेशनल हेडलाइनें बनाकर इंटरनेशनल मेडल्स जो है वो कवर करते रहे, हमारी कौम वही खबरें पढ़ती रहे, बस हम कहना तो नहीं चाहिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी लगते हैं जब ओलंपिक्स आते हैं, 29 साल में अगर कोई 20 साल के करोड़ आबादी वाला मुल्क मेडल ना जीत सके तो माजरत के साथ तो फिर मुझे ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हमारा तो इसमें कोई अमल दखल दिखाई नहीं देता, सिवाय कि जैसे आपने कहा कि हुसैन शाह साहब को अपने बेटे से उम्मीद है, लेकिन आपको मुझे रियलिस्टिकली पता है कि वहाँ भी चांस टफ है, बट चलें वो अपनी कोशिश कर सकते हैं, तलहा हैं या इसी तरह अरशद नदीम की बात कर लें, बट कोई रियलिस्टिक चांस है नहीं, और ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले ओलंपिक्स में भी यही सूरत हाल होगी, मुझे लगता नहीं कोई बेहतरी होगी। बिल्कुल आप देखें जिस तरह आप पाकिस्तान का मुख्तसर सा दस्ता है ना, पाकिस्तान का किस्सा भी बहुत मुख्तसर सा होता है, एक एक मैचेस खेलते हैं उसके बाद बाहर हो जाते हैं, और अगले ओलंपिक्स की देखें उसके लिए भी अभी से तैयारी, अभी क्या मेरे ख्याल से अगले ओलंपिक्स की भी ये हाल है, उसके अगले ओलंपिक्स की अगर अभी से तैयारी करें तब जाके कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप देखें मैचेस खेलते ही नहीं हैं हम लोग हॉकी के, मैंने आपको मिसाल दी, तैयारी कौन करेगा, पीओ के जो सदर हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं 15-20 साल से सब बैठे हुए हैं और कोई पाकिस्तान की जो है वो प्रोग्रेस तो है नहीं, तो प्रोग्रेस करवाएगा कौन, शाह साहब की वही वाली बात है कि टैलेंट तो है बट ऑफिशियल्स के अंदर शायद इतनी काबिलियत नहीं है, ज़माने में नूर खान साहब थे चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हॉकी के अंदर हमने उसकी बुनियाद डाली, अब तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे, क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपने बोला सालों से बैठे हुए, उनसे पूछे ना कि क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या उन लोगों ये जो फेडरेशंस हैं एग्जैक्टली, पीए तो एक गवर्निंग बॉडी है, बाकी फेडरेशन से पूछे ना कि आपने कौन सा खिलाड़ी तैयार करके दिया है, बिल्कुल अब जेवलिन थ्रो है या शूटिंग के मुकाबले हों या तीर अंदाजी देख लें उसके अंदर 70-80 पार्टिसिपेंट होते हैं सिर्फ 8 पोजीशन में आने के लिए, मतलब इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से वो लोग क्वालिफाई करके आते हैं उन खेलों के अंदर जिनकी 4 साल ट्रेनिंग कराई जाए, तो आप क्यों नहीं हासिल कर सकते, बाकी दुनिया कर सकती है पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है लेकिन उसके लिए आपका एम होना चाहिए ना, आपकी एक विल होनी चाहिए हमें ये करना है, मेरे ख्याल से तो करना ही नहीं है, स्पोर्ट्स का कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, बस क्रिकेट रह गई है, क्रिकेट में भी माजरत के साथ उस तरीके का अब प्राइम नहीं रहा जिस तरीके से पहले हुआ करता था, हम जीत जाते, आप बताएं ना टॉप टीम से जीते हुए भी हमें अरसा हो गया क्रिकेट में, वो हम छोटी टीम वहाँ ICC चूँकि TV राइट के पैसे देता रहता है तो इसलिए वहाँ को प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है इसलिए वो चीज़ें वो चल रहा है, लेकिन बाकी जगह पे बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन ओलंपिक्स एक बार तब फिर आए हमारा फिर दस्ता। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइस पाकिस्तान अपने जो उनके ओलंपिक में जो दल गया है उसमें केवल 8-9 खिलाड़ी गए हैं और 13 मैनेजमेंट के खिलाड़ी गए हैं, और इसका मजाक पाकिस्तान के ट्विटर
मैं उड़ रहा था और आप देखते तो उसमें भी आपको मज़ा आता। हालांकि एक बात भी सच है कि आपको भी पता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन चारों देशों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा फेमस गेम है क्रिकेट और यहाँ क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इंडिया में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट अगर आप देखें 8-9 साल में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है खेलों को लेकर। खेलो इंडिया नाम से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैंपेन चालू हुआ था जिसमें हर प्रदेश से एक इवेंट होता है, वो मतलब एक प्रकार से इंडिया का प्रदेशों का ओलंपिक है, जो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है और इसके रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। पहले भी इंडिया की भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, हॉकी में ही गोल्ड मेडल जीता था, फिर कोई कभी तुक्का लग जाता था शूटिंग में तो कभी रनिंग में तो कभी ऐसा कुछ होता था, रनिंग में गलत बोल गया, रनिंग में एक ही गोल्ड मेडल था इंडिया के पास, मिल्खा सिंह सॉरी गोल्ड मेडल नहीं था वो भी ब्रॉन्ज मेडल था, फिर एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में हमारे पास गोल्ड थे। लेकिन अब इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सुधरा है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और उसमें भी अगर आपके इतने कम मेडल हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार इंडिया को अच्छे मेडल मिलेंगे। हालांकि इंडिया के खिलाड़ी जैसे आप निशानेबाजी में देखें तो दीपिका कुमारी वर्ल्ड चैंपियन है, मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन ओलंपिक में ये थोड़ा सा चोक करते हैं और ये इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ भी हो रहा है। अगर बड़ा टूर्नामेंट आता है तो वो फाइनल सेमीफाइनल में चोक करता है, ऐसा इनके साथ भी हो रहा है। तो दोस्तों कुश्ती में भी इंडिया से उम्मीदें रहती हैं, हर साल इंडिया कुछ ना कुछ यहाँ से लाता है। कल आप देख सकते हैं शूटिंग में इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है। हॉकी में इंडिया की टीम आज जीती है, हालांकि लेडीज़ की टीम नीदरलैंड की टीम से पहले तो अच्छा खेल रही थी, 10-15 मिनट बराबरी पे चल रहा था लेकिन बहुत बुरी तरह से हार गई है। तो इंडिया भी ओलंपिक में उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट करे। बेसिकली ओलंपिक में तो अभी पिछले दो ओलंपिक का अगर हिस्ट्री देखें लास्ट तो चाइना का कब्जा रहा है, चाइना ने स्पोर्ट में भी काफ़ी पैसा फंसाया है आप देख सकते हो स्पोर्ट में, हालांकि उनका पैसा ओलंपिक गेम में ही है ना, वो क्रिकेट खेलते हैं ना वो ये खेलते क्या कहते हैं अपना फुटबॉल खेलते हैं, वो ओलंपिक गेम में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ओलंपिक गेम में अच्छा खासा उनका मेडल टैली में नंबर ऊपर रहता है। भारत का देखते हैं, अभी तो भारत एक सिल्वर जीता है, हालांकि आज भारत 2-3 गेम के लिए क्वालिफाई किया है जिसके राउंड अगले कल होंगे, तो उम्मीद करते हैं उनसे भी हमें कुछ ना कुछ मेडल की उम्मीद रहे। और हमारी टेनिस में हम लास्ट टाइम जीते थे 96 या 97 में जीते थे, लिएंडर पेस जीते थे, इस बार उम्मीद करते हैं जो। और टेबल टेनिस में भी तो दोस्तों देखते हैं होता क्या है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर मैं हंसना नहीं चाहूँगा, हालांकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान से भी क्रिकेट ही खा गया है बेसिकली और पैसा दूसरी चीज़ों में फंसाना नहीं चाहते। और हॉकी में पाकिस्तान का एक टाइम पे दबदबा रहा और स्क्वैश में दबदबा रहा, लेकिन फिर उसके बाद टेररिज्म ये सब चीज़ें पाकिस्तान को बिठाल दिया है, पाकिस्तान के हर मतलब क्षेत्र को। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।